डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है सर्जिकल स्ट्राइक दिवस की छठी वर्षगांठ। आज यानी 28 सितंबर को देश में पाकिस्तान के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक दिवस की छठी वर्षगांठ के तौर पर मनाया जा रहा है। 2016 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकवादी शिविरों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ये सर्जिकल स्ट्राइक 18 सितंबर को कश्मीर के उरी में एक सैन्य अड्डे पर हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई कार्रवाई थी। उरी हमले में सेना के 19 जवान शहीद हो गए थे। अब बात करें सर्जिकल स्ट्राइक दिवस की, तो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी में एक सैन्य अड्डे पर हमला किया, जिसमें 19 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। इस हमले ने देश भर में आक्रोश भर दिया और प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि भारत न तो माफ करेगा और न ही भूलेगा। इसके बाद सेना ने 27-28 सितंबर की रात इन आतंकी ठिकानों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाबी कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर में तैनात पैरा इकाइयों की विभिन्न इकाइयों के कमांडो सहित भारतीय सेना ने सीमा पार कई ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें आतंकवादियों को भारी नुकसान हुआ और विभिन्न स्थानों पर करीब 45 आतंकवादियों को मार गिराया गया। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA के नेतृत्व में की गई। इस कार्रवाई से भारत ने करारा संदेश दिया कि जरूरत पड़ने पर वह सीमा पार कर आतंकी ठिकानों पर हमला कर सकता है। हमले के 2 साल बाद यानी 2018 में केंद्र सरकार ने 28 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक डे के रूप में मनाने का फैसला किया।